ये स्क्वायर जो इसका था भू योजना वो रेक्टेंगुलर टाइप में था, और फिर उसमें अलग अलग ब्लॉक थे, एक साइड या फिर एक्सेट्रा था, फिर उसके अंदर केवल मिट्टी भर दिया गया। अगर अब इसका आप एक लोकेशन आप देख सकते हैं कि रोड किया है चारों और हरी जमा है, इसके बाद में ये राजगीर का सैकड़पिन वाल का ये साउथ गेट था। अगला ये इसकी भू योजना थी आलमोस्ट, इसमें एक साइड आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइडर स्ट्रक्चर है, इसको फिर इसमें चारों ओर आप दीजिएगा कि रेक्टेंगुलर शेप में ब्रिक वाल से, उसमें ये अर्थिंग करने के बाद तो फिर इसका निर्माण हुआ था। अगला अब जो अगला स्टेशन हुआ था वो हुआ था ये चंडी मऊ में सन 2001 में, ये 12 किलोमीटर ईस्ट से चला होगा, और यहाँ का जो फाइंडिंग्स है वो यहाँ पर एक बहुत मॉडर्न कब से और एक बॉडी विश्वभर कॉम्प्लेक्स था, और जो ये सिंगल कल्चर साइट था, और यहाँ पर एक तो टेस्ट है जो रेडी या यानी पूरी तरह ये 5 मिनट का अवसर था यहाँ पर। अगला ये इसका ड्यूरिंग एक्सप्रेशन है, इसमें जो ओली साइट को साफ करते 10x10 के स्क्वायर में बांट कर बांटने के बाद इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था। अगला और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बॉडी विश्व एक्सपोज हो रहा है, तो इसमें एक था कि पहले उन्होंने ब्रिक पेमेंट दिया, उसके बाद मिट्टी का एक ट्रांसफर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बॉडी विश्व पर अरेंज किया, और फिर इन बॉडी विश्व के ऊपर फिर ये ग्राइन प्लास्टर का भी उन्होंने प्रयोग किया था इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। अगला ये भी बोले मुस्तफा और जो टेबल कॉम्प्लेक्स था ये उसके दरवेज के अवशेष है। अगला और यहाँ से बहुत सारी टेराकोटा की सीरीज निकली, इनमें मूल रूप से गौतम बुद्ध अवलोकितेश्वर का डिविजन हुआ है, और ये जो बौद्ध मंत्र होता है एक धम्मा एक प्रवाह उसका भी इनका इसमें डिविजन इसमें मिलता है। अगला और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो एक्सप्रेशन हुआ है नालंदा में वो था जोहटी एक्सप्रेशन, इसका जो लोकेशन था वो 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नालंदा है, और इसका एक्सप्रेशन यह था 2006-07, और यहाँ के एक्सप्रेशन से इतूप निकला था, और यहाँ की जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले नालंदा में 4% कल्चर के डायरेक्ट यूनिट्स हम लोगों को नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर इसका शनिवार तो चारपर्थिक कल्चर का यूनिट हम लोगों को साफ साफ मिला, उसके बाद एनबीपी डब्ल्यू कल्चर, उसके बाद पोस्ट डब्ल्यू, ये इसका एक्सप्रेशन के पहले का एरियल व्यू है माउंट का। अगला और ये एक्सप्रेशन के टाइम का एरियल व्यू है जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया है। अगला ये जो स्तूपा है ये 2-3 फेज में इसका निर्माण हुआ था, और इस जो इसकी पहचान है वो इसकी पहचान है जो ये सारे मोद कल्याण जो गौतम बुद्ध के, तो ये मोद कल्याण का स्तूप था, और जो वेंसांग आए थे 7th century AD में तो उन्होंने इसका लोकेशन कहा था कि जो कोलिका या कोलन गाँव जो जहाँ पर ये जो मोद कल्याण का गाँव था उसका लोकेशन उन्होंने कहा था कि 9 ली वेस्ट ऑफ एक्सेट रूस ऑफ नालंदा, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये 3 किलोमीटर ये पड़ता है, जो वेंसांग ने ली का यूज किया है दूरी दर्शाने के लिए, तो 1 ली बराबर होता है 321.8 मीटर, तो उसके हिसाब से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्तूप है, तो ये पूरी तरह मैच खाता है बौद्ध साहित्य और वेंसांग के विवरण से, और ये जो स्तूप हुआ था जो सबसे पहले एंट्री फेज में इसका 2-3 बार निर्माण हुआ, पहली बार ये केवल उमंग स्तूप का ही यूज हुआ था एनपी फेज में, पहले इसका डाया बहुत कम था 7 मीटर के आसपास, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और शुंकुसर पीरियड में जैसे कि आप देखते हैं भारत के बाकी स्थानों में भी शुंक पीरियड में सबका इनकेसिंग हुआ है ब्रिक्स में, और इसको इलाज किया गया है, तो इस स्तूप को भी शुंक पीरियड में इसको इनकेस किया गया ब्रिक की दीवार से, और इसमें 3 फेज में जो एमोलेंट्री पार्क है वो उसके ऊपर बनाया गया स्तूप के चारों घूमने के लिए, तो ये सबसे बीच वाला एमोलेंट्री पार्क का आप देख रहे हैं ब्रिक बेड के द्वारा बनाया गया था,
इसका था एक और 6 मीटर के आसपास इसका वृत्त था। तो ये द्वापरटी का सुखदी मार्गों में बहुत अधिक उल्लेखनीय है, न केवल बिहार बल्कि भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में, कि अब तक का ये मन, क्योंकि जो भी हम लोगों के पास ओरिजिनल स्तूप होते थे वो है गौतम बुद्ध वाले। तो जो ये बौद्ध कल्याण के जो प्रेषित थे उनका ध्यावसान बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। तो ये मान सकते हैं कि बिहार के ये सबसे प्राचीनतम स्तूपों में से एक है, क्योंकि जो बौद्ध कल्याण थे जिनका ध्यावसान बुद्ध के काल में ही हो गया था ये उनका ही स्तूप है। तो एक तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिहार और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी गणना सबसे अर्लीस्ट स्तूपों में हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा जो हम बात किए उसमें फेस में देखते हैं कि सांची में त्रिमेदी स्तूप, त्रिमेदी माने स्तूप के ऊपर कम से कम 3 इसके एबिलिटी पाथ होते थे, तो इसमें भी 3 एबिलिटी पाथ का एविडेंस मिला है। तो ये पाथ का जो स्तूप आर्किटेक्चर था उसके लिए ये आधार का भी काम किया, लोगों ने शायद उसको आदर्श माना होगा। और जो इसका सबसे अच्छा जो इसका परवर्ती रूप हम लोग को सांची में देखने को मिलता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एनकेसिंग वॉल में एनकेस किया गया था, चारों से घेरा गया था ईंट की दीवार से, ये उसका रिफ्लेक्स। अगला एक बात ये होता है कि हम लोग को शायद तो सारे मिल गए कि ये मौत गलन का स्तूप था, लेकिन इसकी आर्कियोलॉजिकल रूप में ये सबसे अच्छा एविडेंस है कि हम लोगों को एक एनबीबी का हॉप स्कॉच मिला, उसमें आला देखिएगा मुंह का उसमें बात लिखा है। तो ये मुंह का जो शब्द है वो शायद ये यूज किया गया है मौत गलन के लिए। अगला जो स्टेशन हुआ था वो बेगलपुर में हुआ है, ये 1.4 किलोमीटर साउथ ऑफ नालंदा प्रोविंस है, 2007-08 में यहाँ पर काम हुआ है। और यहाँ का जो क्रोनोलॉजी है वो प्री गुप्ता, गुप्ता और मिडिवल का। तो और जैसे कि हम लोगों को पहले आशा था कि शायद इनको पीरियड इसका बहुत प्रोडेंट होगा और इसका संबंध यहाँ से होगा नालंदा महाविहार से, लेकिन वो कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस हम लोग को नहीं मिला। अगला ये उसका माउंट है, इसका जो ग्राफिकल फीचर बहुत अच्छे तरीके से है, ये यहाँ पर गेट का एविडेंस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ से आर्कियोलॉजिकली हम लोग को नहीं मिल पाया। अगला ये गुप्ता फेज का छोटा मोटा दीवार का एविडेंस आपस मिला हम लोगों को। अगला और ये जो सबसे नीचे में आप देख रहे हैं ये सिल्वर का है, शुद्ध चांदी का ये दो वहां से मिला, और बाकी ये गुप्ता फेज का टेराकोटा हम लोगों को मिला। और थोड़ी सी रिलीज भी हम लोग को मिले जो लिपि के आधार पर गुप्त काल का या फिर 6th सेंचुरी का माना जा सकता है। और एक और साइट है बेगमपुर के बिल्कुल पास में ही, इसका नाम है धवन खंडा, इसका लोकेशन है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है नालंदा से, यहाँ पे काम हुआ था 2007-08 में। यहाँ के बहुत उत्साहजनक जो रिजल्ट हम लोग यहाँ से मिले, यहाँ की फाइंडिंग था एक टेम्बर्स का रिवेंस रिंगवेयर और जो उसकी क्रोनोलॉजी गई थी वो एनबीबी फेज तक गया था, NBPW गुप्ता पोस्ट गुप्ता और पाल फेज। यहाँ से हम लोगों को शुभ शांति रख का कोई भी उन्हें हम लोग को यहाँ से नहीं मिले। अगला और जो ये माउंट है जो हम लोग गए थे तो देखे थे कि एक गुप्ता का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जब हम लोगों ने यहाँ पर काम किया एक्सकर्शन किया तो ये मालूम हुआ कि एक टेम्पल का एक रूम में ये इंस्टीट्यूट ही रखा गया है बुद्ध का स्ट्रक्चर। अगला और तो वहां पर एक टेम्पल का रिमेंट जो मिला था तो वहां पर एक ब्रिक पेंट का फ्लोर के एविडेंस हम लोग को मिले थे। अगला और नीचे में सबसे जो एडमिन फेज है तो वहां से ये रिगमेंट के एविडेंस हम लोग को मिले। अगला और जो एस्टेको फिग्राइन से जज के लिए नालंदा का टेबल नंबर 3 बहुत फेमस है, तो यहाँ से भी हम लोगों को एस्टेको टेबल मिले, शायद जो यहाँ का भी मंदिर रहा होगा वो भी एस्टेको से इसका अलंकरण हुआ होगा। अगला यहाँ से भी जो यहाँ से मिले हम लोगों को, तो ये जो स्टेप इसमें यूज हुआ है वो है पार्क गेट का,
और जो बौद्ध बौद्ध मंत्र होता है ए सम्मा कहते प्रभा, ये इसके बार यही सब लिखा हुआ है। अगला अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन था वो था घोड़ा कटोरा का, और ये दो फीसद में काम हुआ है 2007-08 और 2008-09 में, और ये भी नारंगा का बहुत उल्लेखनीय एक्सप्रेशन में इसको महत्व मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम कोई चार्वाकिक पीरियड मिला, एनपी रघु मिला, शिव कृष्ण गुप्ता है और गुप्ता और पर अग्रम, और ये घोड़ा कटोरा का माउंट है, इसे ठीक लक्कर के जो पचाने के बारे वो बहती है, और ये जो पचाने के बारे इसने एक साइड का सेशन पूरी तरह डैमेज कर दिया था, और जिससे हम लोगों को जो एक साइड था उसके जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ पड़ा, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट सेक्शन में जो एक्सपोर्ट था खुलिया बस हम लोग देख सकते थे रिंगवेल और ब्रिक वार्स, ये बहुत सारे सेक्शन से हम लोगों को देख रहे थे अगर, और ये और इसका व्यू आप यहाँ पर देखेगा, ये घोड़ा कटोरा का मान है उस पर ये चले रिवर बह रही है, उसके साथ लगता हुआ एक गिरियक का हिल है, उस गिरियक के हिल के ऊपर से जो राजगीर की साइक्लोपियन वाल है उसके ऊपर से वो गुजर रही है। अगला ये उसका सेक्शन है, ये इसका घोड़ा कटोरा का जो विगत में प्रति ने काटा होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रिक वॉल्स ऑलरेडी एक्सपोज है। अगला ये एक्सप्रेशन का ड्यूरिंग एक्सप्रेशन का फोटो है अगला, और यहाँ का जो चार्वाकिक फेज है तो यहाँ से जो सेट है स्टोन सेट है, ये इसमें क्या होता है कि न्यूलिथिक में इसका यूज शुरू हुआ सेट का, लेकिन उसका साइज रहता है थोड़ा बड़ा, अब जब चार्वाकिक फेज में आते हैं तो सेट का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, तो ये जो स्टोन सेट था आप देख रहे हैं ये सारे चार्वाकिक फेज के। अगला और ये जो घोड़ा कटोरा साइट है, ये शायद जो आर्टिसन थे जो शिल्पकार थे उन लोगों की यहाँ पर अधिकता रही होगी, इसलिए जो छोटे छोटे एटोन परफ्स है उसके ऊपर पाल पीरियड में बहुत अधिक यहाँ पर काम हुआ, और इसी के फलस्वरूप यहाँ से जो छोटे छोटे एटोन परफ्स है उसमें विष्णु महेश मंडली पार्वती सूर्या इन सब के बहुत सारे ओरिएंटेशन हम लोगों को मिले। अगला और यही नहीं, यहाँ से तीन ब्रॉन्जेस हम लोगों को मिले, उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं एक अमृतसर का है, एक गरुड़ का है, और इसके अलावा एक गौतम बुद्ध का भी यहाँ से ब्रॉन्ज मिला था। अगला ये तो और बहुत सारी सीलिंग्स यहाँ से मिली जो गुप्त काल से लेकर के पाल पीरियड तक की है, इसमें आप ये सीलिंग देख रहे हैं इसमें देखा है आप इसी बाकी का देख लीजिए टूट गया है सीलिंग। अगला और यहाँ से जो लोहे की उपकरण निकले उनसे ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पर ये जो खेती करने वाले लोग थे वो अधिकतर हल्के फाल हो गए कुल हो गए और बाकी खेती के सामान हो गए और डेली यूज के जो सामान लो गए थे वो यहाँ से प्राप्त हुए। अगला और ये बहुत अधिक एक इम्पोर्टेंट एक डेरा कोटा है, इसमें एक हल का मॉडल जो एक खेती में यूज होता है हल, आपको ये बता दें कि इंडियन आर्कियोलॉजी में हल का जो रिप्लिका है या टेरा कोटा में उसका पाया गया है, ये आपकी इससे पहले केवल एक हड़प्पा साइट है बड़ावली वहाँ से हल का मॉडल प्राप्त हुआ था, उसके बाद केवल घोड़ा कटोरा का साइट है जहाँ से टेरा कोटा में हल का मॉडल प्राप्त हुआ था, हमने उसको थोड़ा सा डीप कंसेप्ट स्कूल कर दिया कि वो इसे में यूज में आता होगा। अगला साइड है टरहरा, उसमें तो ये बड़ा समझाया कि तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो एनपीपी से पार्क पीरियड तक जाता है। अगला ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं और जब वहाँ पर काम चला रहा था तब हम लोग की टीम भी वहाँ पर घूमने गई, ये उसी दौरान ये फोटो लिए गए थे। नेक्स्ट ये उसी का एक व्यू है। अगला ये वेद है वहाँ का। अगला
ये वही पड़े निकले रूम था, ये उसके का एक फोटो है। और इसके बाद जो जो एएसआई ने एक्सक्यूशन किया था रुपेश नाम में, ये 2 फीट सीधा में काम हुआ है। इसका लोकेशन है 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट टोल नाला था, और यहाँ की फंडिंग था मोनास्ट्री और मोटे गुफा और एक छोटा सा मंदिर। जो इसके क्रोनोलॉजी है वो यह है गुप्ता बोल गुप्ता पीरियड तक, इसके नीचे का हम लोग गहने तक गए, लेकिन इसके पहले का फेज यहाँ पर नहीं मिला। अगला आप ये देख रहे हैं वो रुकड़ी स्थान का मोमेंट, उसके ऊपर एक मॉडर्न टेम्पल है, उसके अंदर ये गौतम बुद्ध का भूमिश्वर मुद्रा में एक स्कल्पचर है। इसी खासियत दो रूप से है कि मार विजय का इतना सुंदर अंकन पूरे भारत में कहीं और नहीं किया गया है, और इसका जो दूसरी खूबी ये है कि ये गौतम बुद्ध का बिहार से ही नहीं पूरे